हेलो गाइस एंड कम बैक टू ऑटोमोटिव वंस अगेन। होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसे कि मैंने बताया था कि Apache Active 164V का जो न्यू कलर है जब भी मुझे शोरूम में मिल जाएगा मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेके आऊँ। तो आप देख सकते हैं मेरे पीछे है Apache Active 164V वाइट कलर वाला एडिशन जो 2023 में मतलब 2022 के एंड में ही लॉन्च हो गया था, वो आज जाके मुझे मिला। तो आज के इस वीडियो में आपको डिटेल्स में सब कुछ दिखाऊँगा इस बाइक के बारे में, प्राइस क्या रहेगा एंड क्या क्या चेंज किया है, और रेड ऑन ब्लैक कलर जो कलर है और ये जो वाइट वाला कलर है दोनों में क्या क्या डिफरेंस है वो भी मैं आपको बताऊंगा। बाकी जुड़े रहिए मेरे साथ वीडियो के एंड तक। इनकेस आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया या फिर आप लोग पहली बार मेरे चैनल पर आ रहे हो तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि हर एक आने वाले वीडियो का अपडेट आपके पास जो है पहुँच जाए। नाउ आप लोगों को इंतजार था इस बाइक का और मुझे भी, तो चलिए जल्दी जल्दी वीडियो शुरू करते हैं। एंड वीडियो शुरू करने से पहले ए वेरी स्पेशल थैंक्स टू डायमंड मोटर्स TVS। ये इसका जो ये जो शोरूम है ये आपको मिलेगा BT रोड में, एंड इसका जो एग्जैक्ट लोकेशन बाकी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा, आप जरूर वहाँ से चेकआउट कीजिए। कोई भी TVS प्रोडक्ट के लिए आप डेफिनेटली यहाँ पे विजिट कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ये है TVS Apache RTR 164V वाइट कलर। जी हाँ दोस्तों, इस बाइक का इंतज़ार बहुत टाइम से था। मैं आपको इसका एक ओवरव्यू बता देता हूँ। तो सबसे जैसे कि आप देख सकते हैं ये 4V स्पेशल एडिशन है। आप इसमें आपको प्रीवियसली सिर्फ डुअल टोन कलर यानी कि रेड एंड ब्लैक कलर के साथ मिलता था, अभी देख सकते हैं ये कलर वाइट वाला कलर है। एंड बाकी सब कुछ मैं आपको बता दूँ, चेंजेस जो बाकी जो इंजन स्पेसिफिकेशन एंड अदर्स ऑल सब कुछ सिमिलर है, बस कलर का डिफरेंस है। और मैं आप लोगों को एक और चीज़ भी बता दूँ कि कलर चेंजेस की वजह से कोई भी प्राइस में डिफरेंसेस नहीं है। यूजुअली कभी कभार देखने को मिल जाता है कि ये कलर का लिए प्राइस ज़्यादा है, बाकी ये बाइक पूरा आपको मैट कलर के ऊपर मिल जाएगा एंड वाइट वाला सेक्शन भी आपको थोड़ा ग्लॉसी मिल जाएगा। एंड एक और चेंज आप देख सकते हैं, जो यूजुअली स्पेशल एडिशन था, जो प्रीवियस वाला स्पेशल एडिशन, उसमें आपको दोनों ही जो व्हील था वो आपको रेड कलर में मिलता था, जबकि इस वाले एडिशन में आप देख सकते हैं यहाँ पे सिर्फ रियर वाला व्हील ही आपको रेड कलर में मिला है। एंड एग्जॉस्ट देख सकते हैं ये चेंज किया है एंड काफ़ी बल्की लग रहा है, एंड इसका एग्जॉस्ट नोट भी लाइक चेंज हो गया है। तो आते आते वीडियो में आपको बता दूंगा, सबसे पहले मैं आपको प्राइस बता देता हूँ क्योंकि प्राइस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्राइस जो इस बाइक का आज के डेट में अप्रॉक्सीमेटली कोलकाता का ऑन रोड प्राइस बता रहा हूँ मैं, 1,58,000 के आसपास अप्रॉक्सीमेटली। एंड एग्जैक्ट प्राइस के लिए आपको अपने क्या करना है, जो नियरेस्ट डीलरशिप है ऑथराइज TVS डीलरशिप वहाँ पे ज़रूर विजिट कीजिए, वहाँ से आपको एग्जैक्ट जो प्राइस है वो मिल जाएगा। या फिर आप मुझे कमेंट में अपना सिटी बता सकते हैं, वहाँ पे भी मैं आपको जो आपका सिटी का अप्रॉक्सीमेट जो ऑन रोड प्राइस आएगा मैं आपको बता दूंगा। नाउ चलते हैं हेडलाइट से शुरू करते हैं। इसमें आपको सेम वही हेडलाइट मिल जाएगा डुअल LED वाला, और इसमें बीच में से आपको DRL जो है वो मिल जाता है। इसके ऊपर आप देख सकते हैं TVS का बैजिंग भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। ये इसका हेडलाइट सेट है, मैंने यहाँ पे हाई बीम लो बीम लाइक मिल जाता है पूरा हेडलाइट के साथ। एंड ये जो वाइट कलर में है तो थोड़ा ग्लॉसी लग रहा है। एंड यहाँ पर देख सकते हैं स्मार्ट कनेक्ट का बैजिंग इस जगह पर देख सकते हैं, क्योंकि ये बाइक जो है ब्लूटूथ एनेबल्ड है तो इस जगह पर आपको स्मार्ट कनेक्ट का बैजिंग मिल जाता है। एंड सामने में फ्रंट फेंडर देख सकते हैं, यहाँ पे आपको TVS रेसिंग का बैजिंग, जबकि ये ग्लॉसी कलर में है तो आप देख सकते हैं कलर कितना ग्लो कर रहा है। एंड फ्रंट का सस्पेंशन मैं आपको बता दूँ, फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिल जाता है, TVS का खुद का टायर यहाँ पे दिया गया है। एंड यहाँ पे टायर का सेक्शन देख सकते हैं, इसमें आपको 90x90 17 इंच का ट्यूबलेस टायर आपको मिल जाता है फ्रंट में। और वही मैं रियर में आ जाता हूँ तो रियर सेक्शन में आपको मोनोशॉक सस्पेंशन मिल जाता है, यहाँ पे रेड कलर का देख सकते हैं। ये 7-स्टेप एडजस्टेबल राइडर के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। एंड रियर का जो व्हील है ये आपको देख सकते हैं, ये आपको रेड में मिलता है, बाकी वो ब्लैक में मिलता है। एंड इसका जो टायर सेक्शन है इसमें अपग्रेड किया है कंपनी ने, आप देख सकते हैं यहाँ पे 130x70 सेक्शन का टायर मिल रहा है, जबकि प्रीवियसली 110 या 120 mm का लाइक सेक्शन का टायर मिलता था। ये काफ़ी अच्छा काम किया है TVS ने, मेरे लाइक मुझे तो बहुत अच्छा लगा ये वाला चेंजेस जो कंपनी ने किया है कि 130 सेक्शन का टायर, क्योंकि एक 150-160 सेगमेंट में गाड़ी में आपको एक वाइडर टायर चाहिए होता है, जो प्रीवियसली मुझे थोड़ा थिनर साइज लगता था। ये काफ़ी इम्प्रूवमेंट किया है कंपनी ने।
एंड एग्जॉस्ट देख सकते हैं, एग्जॉस्ट के बारे में क्या ही बताऊँ। प्रीवियसली आपको डुअल बैरल एग्जॉस्ट मिलता था, अभी देख सकते हैं कितना हेवियर लग रहा है एग्जॉस्ट एंड कितना वर्की इसका एग्जॉस्ट है। इवन इसका एग्जॉस्ट नोड भी चेंज हो गया है, जो प्रीवियसली वीडियो में आप लोगों ने अगर सुना नहीं होगा तो वीडियो का लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा, या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी चेकआउट कर सकते हैं, वहाँ से भी आपको एग्जॉस्ट साउंड सुनने को मिल जाएगा, तो वो चेक कर लेना। बाकी इस बाइक का और भी लाइक बहुत कुछ, बहुत सारा वीडियो बनाया, सब कुछ आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा, आप ज़रूर वहाँ से चेकआउट कीजिए। एंड रियर सेक्शन में देख सकते हैं RTR 164V का बैजिंग, बाकी सब कुछ लाइक बैजिंग वगैरह वगैरह सब कुछ यहाँ पे आपको सिमिलर मिल जाता है। और ये वाला एडिशन में आपको जो ये TVS का लोगो, ये आपको ब्लैक कलर में मिलता है, जबकि जो प्रीवियस लाइक जो रेड कलर वाला है उसमें आपको क्रोम कलर में TVS का लोगो मिलता है। एंड टैंक एक्सटेंशन में आप देख सकते हैं यहाँ पे भी आपको ग्राफिक का यूज़ किया हुआ है, एंड टैंक का जो एक्सटेंशन है ये आपको एरोडायनामिक के हिसाब से बनाया गया है। जबकि इस बाइक का जो प्रोफाइल है रेसी सेगमेंट में, स्पोर्टी सेगमेंट में, इसका जो प्रोफाइल है काफ़ी खूबसूरत है, एंड काफ़ी इसका जो एरोगेंट एंड एग्रेसिव लुक प्रोवाइड करता है इस गाड़ी, इसके लिए इस बॉडी को जो बनाया गया है काफ़ी खूबसूरत तरीके से बना, एंड काफ़ी पसंदीदा बाइक है मेरे भी, एंड काफ़ी आप लोगों का भी होगा। एंड आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना क्या खासियत, क्या खास बात लगता है आपको RTR सीरीज़ का हर एक बाइक में, या फिर ये 4V की बात कर लूँ तो ना हूँ। सबसे पहले यहाँ पे इंजन के बारे में मैं आपको बता देता हूँ, इंजन तो चेंज नहीं किया इसमें, आपको सेम 159cc का सिंगल सिलेंडर एयर कूल फोर स्ट्रोक BS6 FI इंजन मिल जाता है, सॉरी एयर कूल बोला मैंने, इसमें आपको ऑयल कूलिंग टेक्नोलॉजी मिलता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रेडिएटर का पाइप है, ये ऑयल कूलिंग है। तो एन एक्सपेंस जो मैक्सिमम पावर आपको मिलेगा नियर अबाउट 17 BHP का पावर एंड 15 Nm का आपको टॉर्क मिल जाएगा इसका हायर RPM। एग्जैक्ट जो पावर फिगर है वो आपको मैं डिस्प्ले में डाल दूंगा, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं जो इंजन कॉल है यहाँ पे स्टोरेज के लिए, एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्लैक कलर का भी यहाँ पे एसेंट डाला हुआ है। नाउ आ जाता है ब्रेकिंग सिस्टम पे, इस बाइक में आपको सिंगल चैनल ABS मिलता है, अभी तक इस बाइक में आपको कंपनी ने डुअल चैनल ABS इंट्रोड्यूस नहीं किया। इसमें आप देख सकते हैं सुपर मोटो ABS का बैजिंग यहाँ पे दे रखा है, एंड फ्रंट में ही सिर्फ आपको ABS मिलता है, फ्रंट में आपको 276mm का पेटल डिस्क मिल जाता है, जबकि रियर में आपको कोई भी ABS नहीं है, एंड यहाँ पे आपको 200mm का जो है यहाँ पे भी आपको पेटल डिस्क मिल जाता है डुअल पिस्टन कैलिपर के साथ, दोनों ही जो पिस्टन कैलिपर है आपको निसिन का कैलिपर मिल जाता है। ये हो गया गाइक का ब्रेकिंग के बारे में, एंड इंजन के बारे में भी मैं बता दिया। नाउ सामने आ जाता है जो टैंक है, इसमें आपको 12 लीटर का फ्यूल टैंक मिल जाता है, एंड इसका जो टैंक का जो माउंट है ये आपको साइड माउंट एंड फ्यूल फिलर कैप मिल जाता है। एंड टैंक एक चीज़ देख सकते हैं ड्यूअल टोन कलर में काफ़ी खूबसूरत लग रहा है, इसमें जो वाइट एंड रेड का जैसे कि प्रीवियसली ब्लैक एंड रेड का कॉम्बिनेशन में मिलता था, ये भी कुछ ग्लॉसी कलर में बहुत ही अच्छा लुक प्रोवाइड कर दिया। एंड मैंने बता दिया 12 लीटर का फ्यूल टैंक, एंड माइलेज लगभग एक्सपेक्ट कर सकते हैं 45 km/h का माइलेज इस बाइक से एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो उस हिसाब से आपको अच्छा खासा राइडिंग रेंज मिल जाएगा अगर आप एक लॉन्ग राइड कर रहे हैं तो। स्पेशल एडिशन का एक खास बात है जो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे आपको एडजस्टेबल हैंडल बार में क्लच एंड ब्लैक ब्रेक जो रिवर है वो आपको एडजस्टेबल मिल जाता है। कैसे, यहाँ पे आप देख सकते हैं तो फ्रंट पुश करते 1, 2, 3 डायलर है, अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं अपना हैंड के हिसाब से, फिंगर जो रीच है उसके हिसाब से, एंड आपको इस साइड में भी आपको मिल जाएगा दोनों क्लच एंड जो ब्रेक का लीवर है दोनों ही आपको एडजस्टेबल मिल जाता है, ये स्पेशल एडिशन का खासियत है। नो सीट के बारे में देख सकते हैं, सीट आपको इसमें अभी ड्यूअल टोन सीट मिल रहा है, यहाँ पे ब्लैक एंड रेड जो सेम सीट को मिलता था वही सीट यहाँ पे भी आपको मिल रहा है, एंड सीट काफ़ी कंफर्टेबल है एंड सिंगल सीट है, लाइक आप लॉन्ग राइड करते हैं या फिर सिटी में भी राइड करते तो भी आपको कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाला है। सीट हाइट की मैं अगर बात करूँ तो 780mm के अप्रोक्सीमेट आपको सीट हाइट मिल जाएगा, एंड जो कि लाइक आपका 5'5" हो या 6 हो कोई भी हो बहुत ही आसानी से इस बाइक से रीच आपको मिल जाएगा ग्राउंड तक का। एंड ग्राउंड का बात हो रहा है तो ग्राउंड क्लियरेंस मैं आपको बता दूँ लगभग 170mm का इसका ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाएगा, जो कि एज एन इंडियन रोड कंडीशन के हिसाब से सफिशियंट है। एंड एग्जॉस्ट मैंने बता दिया, मैं जब भी देख रहा हूँ ना गाइस ये एग्जॉस्ट काफ़ी खूबसूरत लग रहा है, एंड इसका एग्जॉस्ट नोट वाह भाई वाह, आप ज़रूर जाके वो वीडियो चेक कीजिए जिसमें मैंने इस बाइक का एग्जॉस्ट नोट आपको सुनाया था। बाकी टर्न इंडिकेटर का बात करें तो टर्न इंडिकेटर इसमें अभी भी आपको हैलोजन वाला मिल रहा है, तो अभी तक इस बारे में कोई अपडेट नहीं है कि ये कब तक LED मिलेगा या नहीं, तो शायद नेक्स्ट एडिशन में देखने को मिल जाए, उम्मीद तो वही करते TVS की तरफ से। एंड ये बाइक आपको 5-speed गियरबॉक्स के साथ आता है, यहाँ पे जो पैटर्न है स्टैंडर्ड पैटर्न 1 down 4 up है, एंड यहाँ पे साइड स्टैंड एंड सेंटर स्टैंड में मिल जाता है विथ साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो BS6 में अभी लाइक एज एन मैंडेटरी हो गया, आप लोगों सबको पता ही है कि साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ टेक्नोलॉजी अभी क्या है। एंड इस साइड में आप देख सकते हैं ओपन चेन मिलेगा, एंड जबकि मैंने मेरे हर एक वीडियो में आपको बताता हूँ कि ओपन चेन में आपको
एक टाइम के बाद मेंटेनेंस बहुत ज़रूरी है, यानी कि 200 या 300 किलोमीटर के बाद आपको चेन क्लीनर लूप करना होगा ना, उसका शेड्यूल आपको सर्विस जॉब का यूज़र मैनुअल है उसमें मिल जाएगा। एंड ये बाइक आपको एक्सेसरीज के साथ आता है, यहाँ पे आपको लेग गार्ड मिल जाता है, यहाँ पे लेडीज फुट्स पे एक साड़ी गार्ड, ये सब एक्सेसरीज के साथ ये बाइक आपको मिल जाएगा लगभग 158,000 के अंदर ही। बाकी देख सकते हैं स्टिकरिंग का काम किया है यहाँ पे, साइड पैनल में आपको अपाचे का भी यहाँ पे स्टिकर किया है, तो काफ़ी डिसेंट है। एंड बाइक चलाने में और भी मज़ा है। इस बाइक का एक खासियत है कि गियर शिफ्टिंग बहुत ही स्मूथ है, लाइक आपको यकीन नहीं होगा कि कितना स्मूथ है। आप जब इस बाइक को चलाएंगे तब आपको पता डेफिनेटली चलने वाला है। मुझे बहुत अच्छा लगा ये बाइक चला के, इसका गियर शिफ्टिंग। रियर में देख सकते हैं एक टायर हगर मिल जाता है, वो भी TVS RTR का, यहाँ पे बैजिंग किया, यहाँ पे रिफ्लेक्टर मिल जाता है। एंड पीछे का भी टर्न इंडिकेटर जो है वो आपको बल्ब वाला मिल जाता है। मैं आपको की ऑन करके एक बार दिखा देता हूँ, तो रियर में आपको LED टेल लैम्प मिल जाता है, आप देख सकते हैं, जो लाइक जब से TVS 4V लॉन्च किया तब से इस पर LED में कोई चेंजेस नहीं किया है। एंड यहाँ से आपको सीट ओपन करने के लिए कीस मिल जाता है। बाकी इस बाइक में जो है फ्रंट पैनल में आप देख सकते हैं एक और चीज़, यहाँ पे आपको रबर का RTR 160 का बैजिंग मिल जाता है, जो कि अगेन काफ़ी खूबसूरत काम किया, छोटा मोटा जो एलिमेंट किया है कंपनी की तरफ से, जो कि बहुत अच्छा है। एंड टोटल वेट की बात करें तो इस बाइक का आपको वेट आएगा लगभग 140 to 145 kg के बीच में इस बाइक का टोटल कर्व वेट आएगा, जो कि कोई भी इसको बहुत ही आसानी से हैंडल कर सकता है। तो नाउ इंस्ट्रूमेंट पैनल एंड फ्रंट सेक्शन में आ जाते हैं। इंस्ट्रूमेंट पैनल देख सकते हैं ये वाइट वाला इंस्ट्रूमेंट कंसोल आता है। एंड यहाँ पे आपको गियर पोजीशनिंग इंडिकेटर शो कर रहा है, बाकी क्या क्या शो कर रहा है सब कुछ बता दूंगा, क्योंकि हैंडल बार में आ जाता है। एंड स्विच गियर में क्या क्या है, तो फर्स्टली आप देख सकते हैं यहाँ पे पश हाई बीम लो बीम, यहाँ पे टर्न इंडिकेटर, एंड यहाँ पे एक हॉर्न का स्विच है, जो कि आपको पता है TVS का हॉर्न कितना तगड़ा है, ठीक है, डुअल हॉर्न रहता है इसमें, सभी इंजन किल स्विच, ये हेडलाइट ऑन ऑफ स्विच है, आप जैसे देख सकते हैं ये ऑन किया तो लाइट जला, तो ये एडिशनली हेडलाइट ऑन ऑफ का स्विच, एंड यहाँ पे स्टार्टर दे रखा है। यहाँ पे मोड बटन है, क्योंकि ये बाइक आता है आपको तीन राइडिंग मोड के साथ, अर्बन, स्पोर्ट्स एंड रेन, तो आपके हिसाब से वो चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने ये प्रेस कर रहा हूँ तो स्क्रीन में देख सकते हैं आपको अभी स्पोर्ट्स मोड पे है, अभी रेन मोड पे है, अभी अर्बन मोड पे है। अभी मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, ये जैसे कि इसके तीन मोड के साथ आता है तो इसका जो बाइक का जो पावर डिलीवरी है वो भी चेंज होता है, यानी कि आपका रेन मोड में पावर सबसे कम होगा, एंड जो आपका जो मैक्सिमम पावर इस गाड़ी का आपको मिलेगा वो आपको स्पोर्ट्स मोड में मिलेगा, ठीक है। रेन मोड में गाड़ी का उसके हिसाब से सेट किया हुआ है ट्यूनिंग, तो आपको रेन मोड में कम पावर मिलेगा, एंड अगर आप स्पोर्ट्स मोड में ड्राइव कर रहे तो आपको डेफिनेटली फुल पावर उस बाइक उस टाइम पे मिल जाएगा। एंड यहाँ पे आपको आई बटन देख सकते हैं, इस आई बटन से इंस्ट्रूमेंट पैनल को चेंज कर सकते हैं, आप ब्लूटूथ के साथ पेयर कर सकते हैं। आपने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा होगा कि कैसे RTR बाइक को ब्लूटूथ के साथ पेयर करना है, अगर नहीं देखा है तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं कैसे आप इस बाइक को अपने मोबाइल के साथ ब्लूटूथ के द्वारा पेयर करेंगे और कैसे क्या क्या कर सकते हैं, वो वीडियो का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। बाकी यहाँ पे आप इंस्ट्रूमेंट पैनल में देख सकते हैं, यहाँ पे आपको एक फुल स्पेस टेकोमीटर मिल जाता है, यहाँ पे फ्यूल गोज टाइम शो कर रहा है, यहाँ पे स्पीडोमीटर, एवरेज स्पीड, ये मोड है, यहाँ पे गियर पोजिशनिंग इंडिकेटर क्योंकि न्यूट्रल पे है, यहाँ पे ब्लूटूथ ग्लो कर रहा है, यहाँ पे ट्रिप एफ है, बाकी है यहाँ पे लैप टाइमर मिल जाता है आपको, आपको हाई स्पीड मोड मिल जाता है, 0 to 60 का कितने में आया एवरेज स्पीड, बहुत कुछ है। यहाँ पे आपको RPM लॉक का ये इंडिकेटर है, RPM फुल हो जाएगा तो ये आपको बता देगा वहाँ से। इस साइड में आपको टर्न इंडिकेटर मिल जाता है, दोनों साइड में इंजन मैलफंक्शन ABS को मिल जाएगा, यहाँ पे हाई बीम, यहाँ पे न्यूट्रल, लो फ्यूल, यहाँ पे लॉक है, ये तभी आपको आएगा जब ब्लूटूथ के साथ पेयर करके आप ऐप से आप बाइक को लॉक कर सकते हैं, उसका भी वीडियो मैं बहुत ही जल्दी आने वाला हूँ, तो हाँ जुड़े रहिए मेरे साथ वीडियो का एंड तक। इंस्ट्रूमेंट पैनल में ये सब आपको मिलेगा। बाकी अभी तक इस बाइक में मुझे जो एक छोटा चीज़ मिसिंग लगा, जो कि अभी के डेट में हर एक बाइक में आपको मिल रहा है, वो है एक USB चार्जिंग पोर्ट, एक मुझे अभी तक इस बाइक में नहीं देखा, कंपनी ने अभी तक नहीं दिया। आप मुझे कमेंट करके बताना क्या इस बाइक में आपको USB चार्जिंग पोर्ट चाहिए, ज़रूर कमेंट करके बताना, या फिर ऐसे ही ठीक है वो भी मुझे कमेंट करके बताना, क्योंकि आज के डेट में हर एक बाइक में आपको, चाहे वो 100cc हो या 150 या 125 200, सभी बाइक में एक USB चार्जिंग पॉकेट जो है वो दे दे रहा है, तो ये काफ़ी एक आपके हिसाब से सही भी हो सकता है, अगर आप लॉन्ग राइड करते हैं सिटी में भी आपको बहुत ही अच्छा काम आने वाला है। तो ओवरऑल यही था इस बाइक के रिलेटेड, उम्मीद करता हूँ बाइक आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, और क्या करना है पता है ना, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, जुड़ रहे ना मेरे साथ हर एक वक्त में, क्योंकि
आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो गाइस आप मुझे कमेंट करके बताना बहुत कुछ कि इस बाइक के रिलेटेड आपको और क्या कुछ जानना है, या फिनांस स्कीम के वीडियो चाहिए तो भी मैं वो जल्दी लाऊंगा। कमेंट करके बताना आप कौन सा सीरीज से बिलोंग करते हो, आपको किस टाइप का फिनांस स्कीम चाहिए आपके सीरीज के हिसाब से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए अपना ध्यान ज़रूर रखें एंड जय हिंद।